शॉर्ट करिए, ज्यादा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम विनय शर्मा है। मैं डाइट सोलन में एजुकेशन की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं, उनमें से बहुत से बच्चे जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड, हम कह सकते हैं हैंडीकैप्ड होते हैं, या मेंटली लो लेवल के होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, लो आईक्यू के होते हैं, या जिसको हम इम्बेसाइल बोलते हैं या मोरोन्स बोलते हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इन बच्चों में जो सीखने की क्षमता है वो सामान्य बच्चों की अपेक्षा बहुत कम रहती है। तो इसमें हमारा ये उद्देश्य बन जाता है कि इन बच्चों को भी हम साथ लेके चलें, इन बच्चों को भी हम सामान्य बच्चों के साथ बिठाएं और इनके ऊपर थोड़ा और कार्य करें, ताकि इनके अंदर की जो क्षमता है वो उभर के बाहर आए और ये भी देश की उन्नति के लिए अपना योगदान दे सके। इसी से संबंधित जो है वो मेरा टॉपिक है जो मैं लूँगा, भारतीय कक्षा कक्ष में असमानता तथा विभिन्नता को संबोधित करना, शिक्षा शास्त्र तथा पाठ्यक्रम से संबंधित सरोकार, या हम इसे कह सकते हैं एड्रेसिंग इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन क्लासरूम, पेडागॉजिकल एंड करिकुलम कंसर्न्स। थैंक यू। बच्चों, आज हम डाइवर्सिटी जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आपका सब्जेक्ट है पेपर 3 कोड 203, उसका जो चौथा यूनिट आपका है, आपने देखा होगा, उसका हम एक सब टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है एड्रेसिंग इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन क्लासरूम, पेडागॉजिकल एंड करिकुलम कंसर्न्स, भारतीय कक्षा कक्ष में असमानता तथा विभिन्नता को संबोधित करना, शिक्षा शास्त्र तथा पाठ्यक्रम से संबंधित सरोकार। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या, इसका महत्व क्या है। आपने देखा होगा कि जब भी इंक्लूसिव क्लासरूम की बात होती है या समावेशी कक्षा की बात होती है, उसमें जो एजुकेशनल प्रोसेस है, जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वी हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। और वो रीज़न क्यों फेस करनी पड़ती है, उसका कारण है कि बच्चों में बहुत सारी असमानताएँ हैं या बहुत सारी विभिन्नताएँ हैं, बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हैं या डिफ्रेंसेस बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से उनको एक अलग से शिक्षा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टीचर को है, जो टीचर हैव टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कि सभी बच्चों को जो है वो समान अवसर मिले, ताकि उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के प्रति कोई भेदभाव का रवैया ना हो। और फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा ही होगा, टीचर क्या अपनाते हैं, या तो वो अपना ऑडियो ऑन कर लेंगे या वीडियो ऑन कर लेंगे, या आपको किसी और एड से पढ़ाएंगे या आगे बिठा देंगे। तो ये सारे टेक्निक्स हैं जो टीचर अपनाता है इंक्लूसिव क्लासरूम में। फिर उसमें एक और चीज़ है कि वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड, वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स मस्ट बी अडॉप्टेड टू मेक टीचिंग प्रोसेस सिंपल एंड इफेक्टिव, कि अगर आपने टीचिंग को अपने सिंपल और इफेक्टिव बनाना है तो बहुत सारे मेथड्स आपको अपनाने पड़ेंगे। अब इसमें महत्व क्या है, अगर हम पेडागॉजिकल कंसर्न की बात करें या शिक्षा शास्त्र की बात करें, उसका महत्व क्या है, उसका मेन महत्व यह है। पहला तो उसका महत्व यह है कि इट मेक्स टीचिंग सिंपल एंड इफेक्टिव। शिक्षा शास्त्र के अध्ययन से सबसे पहला जो मेन जो काम होता है, आपने देखा होगा, दैट इज कि शिक्षण कार्य को आप साधारण और प्रभावपूर्ण बना सकते हो। मेन, इट मेक्स द टीचिंग सिंपल एंड इफेक्टिव। और दूसरा जो इसमें मेन जो इसका महत्व है या इंपॉर्टेंस है, दैट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर कैन बी अचीव्ड एफिशिएंटली, कि भी विषय वस्तु का जो शिक्षण अधिगम उद्देश्य है उसकी दक्षता पूर्ण पूर्ति की जा सकती है, उसको बहुत इजीली या बहुत एफिशिएंटली आप उसको मतलब बता सकते हो, आगे उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो बता सकते हो। तीसरा इसमें है, इट हेल्प्स इन राइटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन प्रैक्टिकल मैनर, मतलब विषय वस्तु के उद्देश्यों को अगर आप सोचें व्यवहारिक रूप से उसकी पूर्ति करना, वो इससे बहुत ईजी हो जाता है। शिक्षा शास्त्र के अध्ययन से ये चीज़ बहुत ही आसान हो जाती है कि अगर आपने विषय वस्तु के उद्देश्यों को उसको प्रैक्टिकल रूप देना है, उसको प्रैक्टिकली उसको आपने हाईलाइट करना है। फिर इसमें चौथा एक और है कि सब्जेक्ट मैटर कैन बी टॉट बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स मेथड्स एंड लर्निंग मटेरियल्स फॉर ऑब्टेनिंग बेटर रिजल्ट्स। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, जो अगर आप बोलें शिक्षा शास्त्र के अध्ययन से हम जो विषय वस्तु को उसको विभिन्न विधियों द्वारा हम पढ़ाए जा सकते हैं, मतलब उसको कई विधियां जिसके द्वारा हम इसको पढ़ा सकते हैं, ताकि इसमें ऐच्छिक परिणाम हमें प्राप्त हो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की जब बात हो रही है तो उसमें सिर्फ सामान्य बच्चे ही नहीं हैं, सामान्य बच्चों के साथ उसमें आपके पास स्पेशल बच्चे भी हैं, विशिष्ट बालक भी हैं, जिनको अलग से ज़रूरत है आपके मतलब कार्य की। फिर एक और चीज़ इसमें है, सब्जेक्ट मैटर कैन बी इवेल्यूटेड बाय डिफरेंट मेथड्स व्हिच टेल्स अस वेदर द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन फुलफिल्ड और नॉट। इससे शिक्षा शास्त्र के अध्ययन से मूल्यांकन की विभिन्न विधियों द्वारा हमें विषय वस्तु के उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है कि नहीं, ये पता चलता है हमें
कि हमने सफलता प्राप्त की है कि नहीं, कि हमने अगर हम मूल्यांकन इवेल्यूशन की बात करें कि वेदर वी हैव, जो इवेल्यूशन हमारा हुआ है वो प्रॉपर हुआ है, उसमें हमें सफलता मिली है कि नहीं मिली है, वह भी पैडागोजिकल, वो भी एक पैडागोजी का भाग है। अगर हमने पैडागोजी स्टडी की है या हम कहते हैं कि शिक्षा शास्त्र का अध्ययन किया हमने किया है, तो इवेल्यूशन के डिफरेंट मेथड से हमें ये ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना हमें ईजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें है फैसिलिटी ऑफ फीडबैक, प्रतिपुष्टि की एक, ये भी फैसिलिटी ऑफ फीडबैक आफ्टर इवेल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें फीडबैक का भी इसमें मतलब एक पता चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट आफ्टर इवेल्यूएशन इट इज, मतलब ये कुछ जो बिंदु है जो इंपॉर्टेंस ऑफ पेडागोजिकल कंसर्न, जो मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई शिक्षा शास्त्र का क्या महत्व है, कि शिक्षा शास्त्र क्यों पढ़ाया जाए टीचर्स को, या पेडागोजी साइंस ऑफ टीचिंग क्या चीज है, उसका महत्व क्या है। अगर हम नटशेल में हम ये बोल सकते हैं, अगर आप देखा तो ये बोल सकते हैं कि भाई अगर हम, वी कैन से दैट द वेल थॉट आउट पेडागोजी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आर टीचिंग एंड द वे स्टूडेंट्स लर्न, हेल्पिंग देम गेन और डीपर ग्रेस्प ऑफ फंडामेंटल मटेरियल। मतलब हम शिक्षा शास्त्र के अध्ययन से हम अपनी शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बहुत आसानी से सुधार सकते हैं, जितना आप सोचें उतना ज़्यादा सुधार सकते हैं। और अगर आप इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करें, इन इंक्लूसिव क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय कीपिंग इन माइंड द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप समावेशी शिक्षा की बात करें, उसमें अगर आप देखेंगे उसमें क्या खास चीज़ है, उसमें सबसे बड़ी मुश्किल आती है क्योंकि बच्चों में जो है वो बहुत सारे मतलब असमानताएँ होती हैं या विभिन्नताएँ होती हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए, इनमें इनको ध्यान में रखते हुए हमें अपना पठन पाठन कार्य करना पड़ता है या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हमें जारी रखना होता है, क्योंकि उस कक्षा में सिर्फ सामान्य बच्चे नहीं हैं, उस कक्षा में हमारे पास बहुत सारे स्पेशल बच्चे भी होते हैं, तो उनको मतलब क्लास में हम देखेंगे डिफरेंसेस और उसमें क्या डिसिमिलरिटीज है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करना पड़ता है। सो वेरियस मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर टीचिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। अब कुछ शिक्षाविद ने बहुत सारे मतलब विधियां दी हैं किस तरह से आप क्लास में पढ़ा सकते हैं जहां पे इंक्लूसिव क्लासरूम है या जहां पे समावेशी कक्षा कक्ष की बात हो रही है। उसमें कुछ है, होल क्लासरूम टीचिंग है जिसको हम संपूर्ण कक्षा शिक्षण कहते हैं, दूसरा कोलैबोरेटिव टीचिंग है, सहयोगी शिक्षण है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है, क्रियाकलाप या क्रियाशीलता आधारित अधिगम है, पीयर ट्यूटरिंग है, सहयोगी अनुशिक्षण, कोऑपरेटिव लर्निंग है, सहकारी अधिगम। ये कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा आप समकक्ष जो समावेशी कक्षा कक्ष में है अपना कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लूंगा संपूर्ण कक्षा शिक्षण। ये जो आपने देखा होगा होल क्लास टीचिंग, इट इज़ वेरी कॉमन मेथड, मतलब आपने देखा कि तो जो बच्चा जब स्कूल आता है सबसे कॉमन मेथड है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग। जो आपने देखा होगा इट इज़ प्रैक्टिस फॉर लास्ट मेनी ईयर्स, नॉट ओनली मेनी ईयर्स, हिस्ट्री से ही चला आ रहा है कि टीचर क्लास में आएगा और वो अपना लेक्चर देगा, पढ़ाएगा, पूरी क्लास उसको फेस करेगी और वो टीचर जो है क्लास को फेस करेगा। इट इज़ कॉल्ड होल क्लास टीचिंग, संपूर्ण कक्षा शिक्षण, और ये बड़ा कॉमन मेथड है। पर इसको वो एजुकेशनिस्ट बोलते हैं कि इसको भी हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इट कैन बी मेड मोर इंटरेस्टिंग। कैसे होगा वो? बाय पार्टिसिपेशन ऑफ होल क्लास, मतलब इसको और रुचिकर बना सकते हैं अगर हम पूरी कक्षा की भागीदारी सुनिश्चित करें, तो ये वाला मेथड जो है होल क्लास टीचिंग जो है इसको भी रुचिकर बनाया जा सकता है अगर टीचर चाहे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं होल क्लास टीचिंग में। सबसे पहला इसमें है आस्किंग क्वेश्चंस, और ये आपने देखा होगा प्रश्न पूछना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है क्लास मतलब होल क्लास टीचिंग का। सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें क्या करता है, टीचर क्वेश्चन पूछता है, और वो क्यों पूछता है? टू एनकरेज द चाइल्ड टू थिंक क्रिटिकली। चाइल्ड जो बच्चा है इसमें मतलब अपने गुण दोष की दृष्टि से जो है वो सोचना आरंभ करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि टीचर क्वेश्चन पूछेगा और बच्चा जो है उसका आंसर देगा, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि टीचर मस्ट आस्क क्वेश्चंस वेरी ईजी, या मतलब कि बड़ा ऐसा ना हो कि भी टीचर उससे क्वेश्चन पूछ रहा है इट इज़ वेरी टफ और बच्चे को आ नहीं रहा है और ही इज़ मेकिंग मॉकरी ऑफ हिम। बच्चे का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना है, भले ही वो उसमें गलत आंसर देता है, वी मस्ट स्टिल ट्राई टू मोटिवेट द चाइल्ड। एजुकेशनिस्ट बोलते हैं भले ही बच्चा गलत आंसर दे रहा है तो फिर भी उसको मोटिवेट करना है, उसको मतलब एक तरह से आपने उसको नेगेटिव फीडबैक नहीं देनी है जिससे उसको में ज़्यादा हेजिटेशन आए। अब ये लिख रहा है कि क्वेश्चन आस्क्ड मस्ट बी सिंपल टू इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ चाइल्ड। जितना इजी आप क्वेश्चन पूछोगे और बच्चे ने उसका आंसर दिया तो वो उसमें ज्यादा आत्मविश्वास आएगा। इट विल हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड हिज लेवल एंड व्हाट लेवल इज ही और व्हाट ही कैन डू। वो अपना आधार उसको सब पता लग जाएगा बच्चे को कि किस लेवल पे वो है। तो प्रश्न पूछना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है होल क्लास टीचिंग की, इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन होल क्लास टीचिंग। दूसरा इसमें पॉइंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसको हम बोलते हैं बुद्धिशीलता, विचार मंथन भी होता है, चिंतन भी होता है, या हम इसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन,
ए सॉर्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन टू प्रोड्यूस आइडिया और सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसमें होता क्या है बेसिकली कि टीचर जो है वो स्मॉल ग्रुप्स बनाएगा, बच्चों टीचर्स स्टूडेंट्स के स्मॉल छोटे ग्रुप्स बनाएगा, उनको ग्रुप्स में बांट देगा और उनको कोई टॉपिक दे देगा या कोई क्वेश्चन पोज करेगा, जैसे कोई सॉर्ट ऑफ रिडल पोज करेगा कोई, और उससे क्या होगा कि भी जो स्टूडेंट्स हैं दे विल गिव दे आइडियाज, देयर विल बी फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, विचारों मतलब अपना वो विचार प्रकट करेंगे सभी बच्चे। इन दिस टेक्निक टीचर मे बिगिन ए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बाय पोजिंग ए क्वेश्चन और प्रॉब्लम और बाय इंट्रोड्यूसिंग ए टॉपिक। स्टूडेंट देन एक्सप्रेस पॉसिबल आंसर्स, रेलिवेंट वर्ड्स एंड आइडियाज। मतलब जैसे टीचर ने प्रश्न दिया या कोई भी उसको प्रॉब्लम दी ग्रुप को ऑफ स्टूडेंट्स को, तो बच्चों ने अपने विचार प्रकट किए और उसमें मुमकिन उत्तर दिए या अपने कुछ भी उसमें मतलब बहुत सारे आइडियाज आएंगे, और टीचर क्या करेगा उन आइडियाज को ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर जॉट डाउन करेगा, उस पर लिखेगा। अब होगा क्या कि ओपन क्लास डिस्कशन होगी एंड बाय इससे क्या होगा कि बाय एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड लिसनिंग टू व्हाट अदर्स से स्टूडेंट एडजस्ट देयर प्रीवियस नॉलेज फॉर और अंडरस्टैंड इंक्रीज देयर लेवल्स ऑफ अवेयरनेस। बच्चे अपने आइडियाज देंगे और दूसरों के आइडियाज लेंगे, उससे क्या होगा उससे उनकी जो पूर्व ज्ञान उनमें है उसको समायोजित करने की शक्ति पैदा होगी। दे विल एनालाइज देयर प्रीवियस नॉलेज, उसको वो एडजस्ट करेंगे और अपना लेवल समझेंगे कि हम किस लेवल पे हैं। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बिंदु है जो होल क्लास टीचिंग का एक पार्ट है। अच्छा, इसके फायदे क्या हैं, इसका मेन पर्पज या उद्देश्य क्या है बुद्धिशीलता के, मेन पर्पज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। पहला इसका है कि भी इट फोकस स्टूडेंट्स अटेंशन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। इसका मेन फायदा यह है कि संबंधित विषय पर विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित करना, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी तो बच्चा अपने पॉइंट्स देगा तो बच्चे को पता लगेगा कि भाई मैंने किसी पर्टिकुलर विषय पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना अपने आप को कंसंट्रेट करना है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यह है, सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य या पर्पज। दूसरा इसमें टू जनरेट आइडिया क्वांटिटी ऑफ आइडियाज, कि विद्यार्थी के मन में अधिक से अधिक विचार उत्पन्न होंगे। आपको कोई प्रॉब्लम दी है, आप 20 बच्चे बैठे हैं या 10 बच्चे बैठे हैं तो सब अपने अपने आइडियाज देंगे, उनके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, टू जनरेट क्वांटिटी ऑफ आइडियाज। तीसरा इसमें दिस मेथड टीचेस एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मतलब स्वीकारना, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको स्वीकारना और उनका सम्मान करना। बच्चा ये ना बोले कि जो मैंने आइडिया दिया है वही सही है या जो दूसरों के आइडियाज हैं वो गलत है। तो सबसे बड़ी बात इसमें है कि भी इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट अदर्स आइडियाज या टू रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्पज है। इसमें और एक चीज आती है, एनकरेज लर्नर्स टू टेक रिस्क इन शेयरिंग द आइडियाज, कि बच्चों में हेजिटेशन खत्म हो जाती है जब 10 बच्चे बैठे हैं क्लास में तो वो अपने आइडियाज देंगे, तो विचारों को साझा करने के लिए ये एक तरह से प्रोत्साहित करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर इसमें एक है टेल्स द स्टूडेंट दैट देयर नॉलेज एंड देयर लैंग्वेज एबिलिटीज आर वैल्यूड एक्सेप्टेड, विद्यार्थी के ज्ञान या भाषिक क्षमता को महत्व या स्वीकारता है, मतलब उसको एक तरह से एक्सेप्ट करता है उनकी जो उनको जो लैंग्वेज उनकी एबिलिटीज है या उनकी जो नॉलेज है उसको एक्सेप्ट करने में स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। तो थोड़ा सा इसमें ये जो मेन पर्पस ब्रेनस्टॉर्मिंग का है, जो सिंपल मेथड है होल क्लास टीचिंग का। इसके बाद एक मेथड आता है कोलैबोरेटिव टीचिंग, जो आपके सिलेबस में है, जिसको हम बोलते हैं सहयोगी शिक्षण। सहयोगी शिक्षण, अब इसमें क्या चीज है, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, जो समावेशी शिक्षा की हम बात करें तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बिंदु है समावेशी शिक्षा में। इसमें होता क्या है, एज द नेम इंडिकेट कोलैबोरेटिव टीचिंग, इसमें सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक सारे मिल बैठ के जो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ये सारे जब आप समावेशी कक्षा की बात हो रही है जिसमें हर तरह के बच्चे आपके पास क्लास में हैं, ये सारे इकट्ठे बैठ के एक प्लानिंग करते हैं। उसमें जनरल टीचर्स भी होते हैं, स्पेशल टीचर्स भी होते हैं, एंड दे वर्क टुगेदर टू प्लान ए लेसन, मतलब पाठ्य योजना बनाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, मॉनिटर द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, बच्चों की मतलब आप सोचो छात्रों की प्रगति की जांच करते हैं, एंड मैनेज द क्लास, मतलब कक्षा का संचालन करते हैं। इट्स एन अप्रोच दैट मेक्स इट इजियर टू टीच ऑल स्टूडेंट्स द सेम कंटेंट एंड होल्ड देम टू द सेम एजुकेशन स्टैंडर्ड। सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि बहुत सारे अध्यापक जो है अलग अलग फील्ड्स के इकट्ठा काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी क्लास में स्पेशल बच्चे हैं या सामान्य बच्चे हैं उनको पढ़ाना बहुत इजी हो जाता है, उनको अपने गोल्स फुलफिल करना बहुत इजी हो जाता है। पर इसमें भी कुछ तथ्य है, इसमें भी कुछ चीजें हैं जो विच मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ड्यूरिंग कोलैबोरेशन, कुछ तथ्य हैं जिनको विचार में लाना बहुत जरूरी है जब आप सहयोगी शिक्षण कर रहे हैं। पहली चीज इसमें क्या है, कोलैबोरेशन शुड बी वॉलेंट्री, मतलब जो आपका सहयोग है जो सहयोगी शिक्षण है उसको ऐच्छिक, मतलब ऐसा ना हो मेंबर्स को आप जबरदस्ती बुलाएं कि मेरी क्लास में आओ और मेरे बच्चों को पढ़ाओ, तो इट शुड बी वॉलेंटरी। दूसरा इसमें है देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मस्ट बी गिवन टू ऑल मेंबर्स,
मतलब जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी सदस्य उस कोलैबोरेटिव टीचिंग में भाग ले रहे हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन, उनका समन्वयता उनमें होना बड़ा ज़रूरी है और सभी को समान अवसर प्राप्त हो। जितने भी मेंबर्स उसमें हैं, उसमें कोलैबोरेटिव टीचिंग में, सबको समान अवसर प्राप्त हो बोलने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए। तीसरा, इसमें ऑल मेंबर्स ऑफ टीम मस्ट वर्क टुगेदर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि सभी मेंबर्स, जितने भी सदस्य टीम के हैं, वो उद्देश्य की, किसी भी पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करें। ऑल मेंबर्स मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ रिजल्ट। अब जब रिजल्ट की बात आती है तो ऐसा ना हो कि भैया एक मेंबर पीछे हट जाए, कि भाई ये जो भी कुछ भी हुआ है, या चाहे सक्सेस हुआ है चाहे फेलियर हुआ है, वो किसी मेंबर की वजह से हुआ है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें, कि ऑल मेंबर्स मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बंदा अपनी, हर जो मेंबर है वो अपनी जिम्मेवारी समझे कि भाई हमने इन बच्चों को पढ़ाना है, उसमें स्पेशल बच्चे भी हैं, सामान्य बच्चे भी हैं। लास्ट है, फॉल्ट फाइंडिंग अमंग मेंबर्स मस्ट बी अवॉइडेड, कि दोषारोप का जो हमारा होता है कि हर किसी को दोष देना, दूसरे मेंबर्स को दोष देना या दूसरे सदस्यों को दोष देना, इट मस्ट बी अवॉइडेड, इसको हमें नकारना है, इस अगर हमने कोलैबोरेटिव टीचिंग करनी है, सहयोगी शिक्षण करना है। अच्छा, इसमें एक और है, इसमें बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं कोलैबोरेटिव टीचिंग के। इसके लाभ, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका इंपॉर्टेंस है, जो इसकी, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स, कि भाई विकास, मतलब उच्च स्तर की सोच को बढ़ावा देता है, उसको डेवलप करता है, मौखिक संचार को डेवलप करता है, उसका विकास होता है, स्वयं प्रबंधन का विकास होता है और नेतृत्व कौशल का, मतलब डेवलप्स हाई ऑर्डर लेवल थिंकिंग स्किल्स, ओरल कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स। दूसरा, इसमें प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी इंटरेक्शन, कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच पारस्परिक विचार विमर्श को बढ़ावा देता है, आसानी से जो है टीचर जो है बच्चे आपस में बात कर सकते हैं। इंक्रीज इन स्टूडेंट रिटेंशन, सेल्फ एस्टीम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब छात्र की प्रति धारणा को बढ़ाता है, आत्मसम्मान और जिम्मेवारी की भावना उनमें बढ़ाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करवाता है, एंड देयर इज फीलिंग ऑफ सोशल कोऑपरेशन, जब टीचर्स या बच्चे इकट्ठा काम करें तो उसमें सामाजिक सहकारिता का भी अनुभव होता है। नेक्स्ट जो इसमें आपके सिलेबस में, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने पढ़ा हुआ, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ये तो बहुत मतलब सिंपल बोलो या आज तक जो चला आ रहा है, स्वयं करके सीखना वाली प्रक्रिया है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इनकरेजेस द स्टूडेंट्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू प्रैक्टिकल एक्टिविटीज लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। और ये जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की हम बात करते हैं, क्रियाशीलता आधारित अधिगम जिसको हम कहते हैं हिंदी में, ये इतना इंपॉर्टेंट मेथड है कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स में तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है और NPE ने भी इसके लिए बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, इस पे बहुत जोर डाला है कि भी 1986 में जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मस्ट बी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मस्ट बी, मतलब एम्फेसाइज, उसको ज़्यादा जोर देना है और खासकर इट इज़ मतलब मोर इम्पॉर्टेंट और इट इज़ इफेक्टिव एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पर जितना आप क्रियाशीलता आधारित अधिगम करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसमें है क्या चीज़, अब ये बोलते हैं व्यवहारिक गतिविधियाँ इसमें कराएं, प्रैक्टिकल चीज़ें इसमें कराएं। अब इसका मेन आइडिया क्या है इसके पीछे, इसका मेन आइडिया, आम धारणा इसके पीछे है कि भी चाइल्ड इज एक्टिव लर्नर, जो विद्यार्थी है, जो छात्र आपके पास आ रहा है, वह एक ज्ञान का सक्रिय शिक्षार्थी है, रेदर इन ही इज नॉट ए पैसिव रेसिपियंट, वो कोई एक निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं है कि भी आप उसमें उसको बोलते जाओ वो रिसीव करते रहे, इट इज नॉट लाइक दैट। ही इज, वो बोलते हैं ही इज एक्टिव लर्नर, वो एक सक्रिय शिक्षार्थी है, इन्फॉर्मेशन का, ज्ञान को उसने लेना है, ना कि उसको आप जबरदस्ती उसके अंदर अगर आप कुछ ऐसे करते जाओगे, रोट लर्निंग वाली बात करोगे, लेक्चर मेथड वाली बात करोगे, तो शायद वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ABL में खास चीज़ क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में क्या खास चीज़ है, कि हर बच्चे को देर ही इज प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर देयर ओन एंड प्रोवाइडेड द ऑप्टिमम लर्निंग एनवायरनमेंट, देन लर्निंग बिकम्स जॉयफुल एंड लॉन्ग। इसमें खास चीज़ क्या है कि बच्चों को खुद अवसर प्राप्त होता है, मतलब उनको आप अपॉर्चुनिटी देते हो, उनको अवसर देते हो आप अपने आप को तलाशने का, अपने आप को खोजने का, जिससे खास चीज़ क्या होगी कि भी लर्निंग बिकम्स जॉयफुल, मतलब एक जो आपका जो अधिगम का जो अधिगम है वो आनंदपूर्ण हो जाता है, उसको आप बोलते हैं कि भी दीर्घ काल तक रहेगा वो और उसको इंजॉय करेगा बच्चा, पढ़ाई को एज ए बर्डन नहीं लेगा वो, उसको इंजॉय करेगा। और एक्टिविटी, उसमें खास चीज़ क्या है, एक्टिविटी मस्ट बी इंटरेस्टिंग, जो आप एक्टिविटी कराओ, जो भी आप एक्टिविटी क्लास में करा रहे हो, इट शुड बी इंटरेस्टिंग, रुचिकर होनी चाहिए, बहुमूल्य होनी चाहिए, मूल्यवान होनी चाहिए, इट मस्ट बी लिंक टू द ब्रेन। ऐसा ना हो कि आप कोई कुछ भी करवा रहे हो उसका कोई मतलब सिलेबस से कोई संबंधित नहीं, या कोई ब्रेन से उसके दिमाग में उसका कोई यूज़ नहीं वो कर पा रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो वो बोल रहे हैं इट शुड बी इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जैसे प्ले वे मेथड यूज़ करते हैं, जो आप हम सभी करते हैं, देखा होगा आपने,
क्रिया पद्धति मेथड, क्रिया पद्धति विधि जिसको हम बोलते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या आधारित अधिगम, मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज, बहुसंवेदी गतिविधियाँ, ये नॉर्मली यूज़ होती हैं आपकी कक्षा, आपकी किताब में भी दी हुई हैं, तो ये बड़ा कॉमन सी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में, कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग डजंट मीन कि आपने उनको मटेरियल दे दिया कि तुम सीखो। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में आपको बच्चे को अपने बेसिक रूल्स भी सिखा सकते हो आप। ट्रैफिक के रूल्स हैं, यातायात के नियम हैं, लाइब्रेरी का यूज़ है, बैंकिंग है, इलेक्शंस हैं, जैसे आप आजकल मॉक पार्लियामेंट आपने सुना होगा या यूथ पार्लियामेंट स्कूल्स में चलता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ऐसा माना जाता है। एजुकेशनिस्ट का मानना है कि भाई जो यूथ पार्लियामेंट स्कूल्स में शुरू किया गया है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताकि बच्चों को पता लगे कि इलेक्शंस होते कैसे हैं, या चुनाव कैसे होते हैं, या बैंकिंग में कैसे काम होता है, बैंकिंग सेक्टर में काम कैसे होता है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, लाइब्रेरी है आपका, ट्रैफिक रूल्स हैं, ये सारे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का ही एक भाग है। या उसमें आप टीवी एवी एड्स भी यूज़ करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स भी यूज़ करते हैं, ये तो बड़े कॉमन है जो आपने ऑलरेडी देखे हैं, जो स्कूल्स में आजकल यूज़ होते हैं। अच्छा, इसमें मेरिट, अच्छा एक और चीज़ इसमें है, बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड, अच्छा इसमें बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसके सबसे इंपॉर्टेंट अगर बेनिफिट्स की हम बात करें, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू मेमोराइज इन्फॉर्मेशन। सबसे बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि शारीरिक तथा मानसिक तौर पर बच्चों को अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। इट एनकरेजेस द किड्स टू गेट फिजिकली एंड मेंटली इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस, मतलब शारीरिक तौर पर भी मानसिक तौर पर भी जो है बच्चा जो है लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। एंड इट हेल्प स्टूडेंट टू लर्न एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन, विद्यार्थियों को जो है सूचना याद रखने में सहायता करता है और ज़्यादा देर तक वो अपने दिमाग में जो है इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकता है। दूसरा फायदा इसका यह है कि एनकरेज किड्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड इंक्विजिटिव, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता है और जिज्ञासु बनाता है, बच्चे को इंक्विजिटिव माइंड, मतलब उसको सीखने की इच्छा रहती है कि भी, क्योंकि अगर लेक्चर मेथड की अगर आप बात करें उसमें शायद बच्चा इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, अगर आप उसको एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग की बात करेंगे उसमें बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। एंड ABL फोकसेस ऑन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस बाय आस्किंग किड्स टू वर्क ऑन देयर ओन एंड इन स्मॉल ग्रुप्स, मतलब एक तरह से आप बोलते हैं स्वतंत्र जाँच एवं विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करवाता है। ये वाला तरीका जो आपका ये जो मेथड है ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या क्रियाकलाप आधारित अधिगम, ये क्या करता है स्वतंत्र जांच एवं विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करवाता है बच्चों का। तीसरा इसमें है स्पोर्टिंग सोशल डेवलपमेंट, कि ये एक तरह से ABL एनकरेजेस किड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू टीम वर्क एंड सोशल स्किल, और उसका मतलब एक तरह से वो टीम वर्क मतलब सामूहिक कार्य और सामाजिक कौशल को भी बढ़ावा देता है, उसका विकास करता है। चौथा इसमें एम्फेसाइज द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशनल मटेरियल, शिक्षण सामग्री की प्रासंगिकता पर जोर देता है, इसका जो मेन रोल है। अगर आप देखोगे सिंपल पेन मेथड जो है सिंपल पेन कॉपी वाला मेथड वो इतना इफेक्टिव नहीं होता शायद, अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन बच्चों को देंगे तो ज़्यादा सीखेगा, मतलब वो ज़्यादा उसमें मतलब ए बी हेल्प्स किड्स टू अंडरस्टैंड द रियल लाइफ रेलेवेंस ऑफ लर्निंग मटेरियल बाय एनकरेजिंग देम टू एक्सप्लोर एंड सॉल्व रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स एंड सिनेरियो एंड एनकरेजिंग किड्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन डिफरेंट वेज, ये विद्यार्थियों को अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करता है और बच्चों में एक रचनात्मक क्रिएटिविटी डेवलप करता है, मतलब अपने आप को वो एक्सप्रेस करते हैं नए तरीके से। अच्छा, इसमें दूसरा इस बात जो मेथड है दैट इज पीयर ट्यूटरिंग, ये बड़ा कॉमन मेथड है, सहयोगी अनुशिक्षण जिसको हम बोलते हैं पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटर इज एनीवन हु इज ऑफ सिमिलर स्टेटस एज ए पर्सन बीइंग ट्यूटर्ड, दिस टेक्निक प्रमोट्स इंक्लूजन इन स्कूल्स इन विच वन पर्सन हु इज सीनियर और ओल्ड एक्ट्स एज ए टीचर एंड अदर एक्ट्स एज ए लर्नर। इसमें बेसिकली होता क्या है, दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो है जो थोड़ा सीनियर है या उससे बड़ा है वो क्या करेगा, वो टीचर की भूमिका निभाएगा, और जो दूसरा है जो उससे छोटा है और या जो जूनियर स्टूडेंट है वो एक शिक्षार्थी की भूमिका निभाएगा, वो एक तरह से आप स्टूडेंट और टीचर, मतलब सीनियर जो स्टूडेंट होगा वही विल एक्ट एज ए टीचर, जो जूनियर स्टूडेंट होगा ही विल एक्ट एज ए स्टूडेंट। तो इसके फायदे भी बहुत सारे हैं, एजुकेशनिस्ट इसके फायदे बहुत सारे बताएंगे, मेरिट्स ऑफ पीयर टीचिंग या सहयोगी अनुशिक्षण के, मतलब इसके फायदे क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। पहला वो बोलते हैं कि इट इंक्रीजेस द लिटरेसी स्कोर्स, इट इंक्रीज, मतलब ये तो ओयो यूनिवर्सिटी में भी एक स्टडी हुई है पायलट स्टडी, उसमें कहा गया द स्टूडेंट्स हु रीड एंड डिस्कस स्टोरी पैसेजेस विद देयर पीयर्स रिकॉल मोर कंटेंट एंड स्कोर हायर ऑन असेसमेंट।
ये एक स्टडी की गई ओहियो यूनिवर्सिटी में, जो कहता है कि अगर अगर बच्चों को इकट्ठा बैठ के अगर पीयर टीचिंग करवाई जाए, सहयोगी अनुशिक्षण करवाया जाए, मतलब एक ही क्लास का बच्चा है, थोड़ा सीनियर बच्चा जूनियर बच्चे को पढ़ाएगा, तो विषय मतलब विषय सामग्री को याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी, या बच्चा जो है ज़्यादा जल्दी जो है वो कंटेंट को रिकॉल कर पाएगा, एंड ही विल स्कोर हायर ऑन असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन पर वो हायर स्कोर करेगा, ज़्यादा स्कोर करेगा, अच्छा स्कोर करेगा, ऐसा माना गया है। दूसरा बोलते हैं कि इट डेवलप रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। वो बोलते हैं जो स्टूडेंट्स ग्रुप्स में काम करते हैं या एक जो स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, उसमें खास चीज़ क्या है, उसमें तर्क तर्क एवं आलोचनात्मक सोच का कौशल डेवलप होता है, मतलब तर्क संगत मतलब डेवलपमेंट जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगी बच्चे में, अगर वो आपस में ही पढ़ेंगे, एक जूनियर बच्चे एक सीनियर बच्चा जूनियर बच्चे को पढ़ाएगा तो वो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है ज़्यादा डेवलप होगी। दिस इज़ बिकॉज स्टूडेंट्स बिकम फ्री लर्नर, मतलब इसमें देखो आप खास चीज़, जब स्टूडेंट्स आपस में पढ़ा रहे हैं तो वो ज़्यादा फ्रीली पढ़ रहे हैं, एक टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है तो शायद वो थोड़ा सा उसमें संकोच महसूस करें, लेकिन जब पीयर ग्रुप में पढ़ाई हो रही है, पीयर टीचिंग हो रही है, तो उसमें वो बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। सीनियर टीचर सीनियर स्टूडेंट जूनियर टीचर को बड़ा इजीली पढ़ा रहा है, और जूनियर स्टूडेंट भी जो आपका सीनियर स्टूडेंट को जो बड़ा इजीली मतलब अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, तो मतलब एक तरह से वो बड़ा फ्री डिस्कशन का माहौल होता है, जिससे वो अपने मतलब लेसन को या कंसेप्ट को समझने में बड़ा आसानी फील करते हैं। तीसरा उसमें है इंप्रूव कॉन्फिडेंस एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब वो आत्मविश्वास को सुधारने में सहायता करता है और पारस्परिक कौशल को भी सुधारने में सहायता करता है। पायनियरिंग रिसर्च फ्रॉम 1988 स्टेट्स दैट ट्यूटर इंप्रूव सेल्फ एस्टीम एंड इंटरपर्सनल स्किल्स बाय गिविंग फीडबैक, मतलब प्रतिपुष्टि की सहायता से वो पारस्परिक कौशल को और आत्मविश्वास को या आत्मसम्मान को बढ़ाने में सहायता करता है। देन इज इंक्रीज कम्फर्ट एंड ओपननेस, ये तो आपको पता ही, जब पीयर टीचिंग की बात हो रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, टीचर मतलब जो दोनों स्टूडेंट्स वो बड़ा रिलैक्स फील करेंगे, जो पढ़ाने वाला है वो भी रिलैक्स फील करेगा, जो पढ़ने वाला है वो भी रिलैक्स फील करेगा, बिकॉज ही विल बी फ्री टू आस्क क्वेश्चन, वो कुछ भी पूछ सकता है अपने सीनियर से, कोई टॉपिक पूछना है, कोई कंसेप्ट क्लियर करना है, तो ही कैन ईजिली आस्क फॉर दैट। लास्ट इज वर्सिटैलिटी, मतलब बहुमुखी प्रतिभा, मतलब एक तरह से इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ फन लर्निंग, मतलब फन मतलब लर्निंग मेकिंग फन, मतलब एक तरह से आप पढ़ाई भी कर रहे हो साथ में मजे भी ले रहे हो, तो मतलब ये एक मेरिट पीयर टीचिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम देखते हैं इसमें। अच्छा, इसमें कमियां भी हैं, वो बोलते हैं देर आर डीमेरिट्स ऑफ पीयर ट्यूटरिंग। अब कमियां क्या है इसकी, सबसे पहली कमी तो वो बोलते हैं स्टूडेंट्स इनएक्सपीरियंस, वो बोलते हैं ऑल्दो यू कैन शेयर टीचिंग टिप्स एंड गाइडलाइंस विद स्टूडेंट्स, दे वॉन्ट बिकम एक्सपर्ट एजुकेटर, भले ही आप जितनी शिक्षा बच्चों को दे दो पर फिर भी वो एक विशेषज्ञ शिक्षक नहीं बन सकते, एक्सपर्ट एजुकेटर बन नहीं सकते। देर आर चांसेस दैट ट्यूटर वॉन्ट प्रॉपरली सपोर्ट द ड्यूटी, गिविंग इन इफेक्टिव फीडबैक ऑन नीडेड क्रिटिसिज्म, मतलब ये साफ देखा गया कि अगर सीनियर बच्चा जूनियर को पढ़ाएगा तो शायद वो इतनी प्रॉपरली ना पढ़ा पाए, क्योंकि वो विशेषज्ञ या शिक्षक नहीं है, तो शायद इतना वो इंपॉर्टेंस ना दे उसको, तो मतलब वो बोलते हैं कि इससे नेगेटिव फीडबैक आने की संभावना है। दूसरा बोलते हैं कि स्टूडेंट हेजिटेंसी, कि पेयरिंग स्टूडेंट्स टुगेदर कैन बैकफायर एज सम मे फील इनफीरियर बींग टॉट बाय सर्टन पीयर्स, ये बड़ा कॉमन चीज़ है, जब पीयर ट्यूटरिंग होती है तो उसमें कई बच्चे ये भी हैं कि वो उल्टा ना पड़ जाएंगे, कि बच्चा बोले कि मतलब अपने आप को इन्फीरियर ना समझे, अगर वो इन्फीरियर समझेगा तो उससे वो भी एक नेगेटिव वो एक क्वालिटी उसमें आ जाएगी, कि स्टूडेंट हेजिटेंसी, वो बोलते हैं हीन भावना की संभावना इसमें ज़्यादा है, कि बच्चे को लगता है कि मेरे स्कूल के बच्चे मुझे पढ़ा रहे हैं, तो शायद वो भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट इस पीयर ट्यूटरिंग का है। तीसरा वो बोलते हैं पुअर एप्लीकेबिलिटी, खराब प्रयोज्यता, मतलब ये क्या खास चीज़ है, मैनी एजुकेशन से दैट इट इज़ मोर इफेक्टिव इन पोस्ट सेकेंडरी सेटिंग्स, वो बोलते हैं कि बड़ी क्लासेस के लिए तो ठीक है ये, अगर आप सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें उसमें पीयर ट्यूटरिंग हो सकती है, लेकिन प्राइमरी स्कूल्स की अगर आप बात करें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव ना हो शायद, वो बोलते हैं क्योंकि इसमें फिर या तो टीचर की सुपरविजन हो, अदरवाइज अगर आप पीयर ट्यूटरिंग इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देन देर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, वो बोलते हैं कि भाई कई केसेस में क्या होता है, ट्यूटर और ट्यूटीज के बीच बड़ा सीक्रेट चीज़ें नहीं रहती। लास्ट इज पेरेंट पुशबैक, वो बोलते हैं पेरेंट्स लर्न फ्रॉम पीयर टीचिंग फ्रॉम द किड्स, दिस मे सी टू बी नेगेटिव, ये नेगेटिव में जाता है, वो बोलते हैं कि भाई पेरेंट्स इसको पॉजिटिव नहीं लेते, वो सोचते हैं कि भाई अगर स्कूल की बात हो रही है तो टीचर ही बच्चे को पढ़ाए, पीयर ट्यूटरिंग ना हो, क्योंकि उनकी नज़र में भी क्या चीज़ है कि भी जो क्लास जो स्टूडेंट है वो भी एक स्टूडेंट है, तो उसको भी शायद वो नॉलेज नहीं है। तो दीज आर सम ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ पीयर ट्यूटरिंग। नेक्स्ट आपके सिलेबस में जो है वो है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम, ये भी एक चौथा मेथड है जिसकी वजह से जो समावेशी कक्षा कक्ष में यूज होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग इज ए सक्सेसफुल टीचिंग स्ट्रेटजी इन विच स्मॉल टीम्स ईच विद स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एबिलिटी यूज ए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज,
टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम, ये भी बड़ी कॉमन चीज़ है। इसमें क्या है, तो एक ही क्लास के बच्चों को इकट्ठा कर देते हैं और उनको एक ही टीचर पढ़ाता है। मतलब वो टीचर क्या करेगा, टीचर विल गिव सिंपली अ टॉपिक। इन दिस वे स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर इन लर्निंग। मतलब ये होगा क्या, बेसिकली बच्चों को आप क्लास में बिठाओगे, टीचर एक टॉपिक देगा, मतलब टीचर विल एक्ट एज ए प्लानर एंड इवेल्यूएटर। टीचर का काम सिर्फ होगा योजनाकार और मूल्यांकन करता, उसका काम पढ़ाने का नहीं होगा। ही विल सिंपली वॉच, उसका काम होगा सिर्फ बच्चों को देखना। वो बच्चों को टॉपिक देगा और बच्चे खुद ही उसमें आपस में डिस्कस करके जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पर इसमें एक कुछ चीज़ सुनिश्चित करना बड़ा जरूरी है। पहली चीज़ तो ये कि स्टूडेंट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लर्निंग। बच्चों में इतनी समझ हो कि वो अपने अधिगम के बारे में जिम्मेवारी को सुनिश्चित कर पाए। दूसरी बात, वो बोलते हैं दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन देयर ग्रुप्स, कि जिस ग्रुप में वो कार्य कर रहे हैं उसमें वो अपना ध्यान केंद्रित करें। दैट ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप हेल्प ईच अदर इन लर्निंग, कि जब ग्रुप्स की बात हो रही है तो हर मेंबर अपना योगदान दे, हर सदस्य अपना योगदान दे। ईच मेंबर एक्वायर गुड सोशल बॉन्डिंग। अब इसमें क्या क्या खास चीज़ है कि वो एक मतलब सामाजिक जुड़ाव उसमें आए बच्चे में, जब कॉपरेटिव लर्निंग की बात हो रही है। अब इसका उद्देश्य क्या है, कॉपरेटिव लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य उसका यह है कि चाइल्ड इज एबल टू फुलफिल स्पेशल रिक्वायरमेंट्स इन स्टेट ऑफ कॉपरेटिव लर्निंग, कि जो विशेष जरूरतों की पूर्ति की बात है वो बच्चा जो है बड़ी आसानी से कर पाता है। दूसरी बात, वो बोले इट प्रोवाइड सूटेबल एनवायरमेंट टू लर्निंग विद स्पेशल नीड्स। अब इसमें क्या खास चीज़ है कि भाई अगर आप देखें सूटेबल एनवायरमेंट, मतलब उपयुक्त वातावरण अगर आप बच्चों को देंगे कॉपरेटिव लर्निंग में, तो जो विशेष बच्चे भी हैं, जिसको हम बोलें कि भाई जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको भी मतलब बहुत आसान होगा पढ़ना, उनके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो इट प्रोवाइड्स, मतलब कॉपरेटिव लर्निंग जो इट प्रोवाइड्स सूटेबल एनवायरमेंट, एक उपयुक्त अनुकूल वातावरण देता है विशेष बच्चों को भी सीखने के लिए। तीसरा, वो बोलते हैं मोटिवेट स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बच्चों को वो मोटिवेट करता है, बच्चों के लिए वो एक तरह से मोटिवेशन है कि भाई अपनी जिम्मेवारी को समझेगा बच्चा, जब ग्रुप्स में काम करेगा वो तो उसमें वो अपनी जिम्मेवारी को समझेगा। इट एनकरेज सोशल एनवायरनमेंट अमंग मेंबर्स ऑफ कॉपरेटिव लर्निंग, मतलब ये सामाजिक वातावरण को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है मेंबर्स के बीच, कॉपरेटिव लर्निंग में जो मेंबर्स बीच में जुड़े हैं उसको मतलब एक तरह से प्रोत्साहित करेगा, सामाजिक वातावरण उनके बीच अच्छा बनाएगा, सोशल एनवायरनमेंट को अच्छा बनाएगा। एंश्योर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बिटवीन नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो हमारे विशिष्ट बच्चे हैं और जो सामान्य बच्चे हैं, उनके बीच एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, दोस्ती का वातावरण जो है वो सुनिश्चित करता है ये तरीका या विधि सहकारी अधिगम। लास्टली डेवलपिंग एटीट्यूड ऑफ कॉपरेशन एंड हेल्प फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम अमंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप। दूसरे में एक खास चीज़ क्या है इसमें, इट डेवलप एटीट्यूड ऑफ कॉपरेशन, मतलब एक तरह से एक दूसरे की हेल्प करने की जो है गुण जो है बच्चों को इससे मिलते हैं या आते हैं। फिर इसमें डायरेक्शंस दिए कुछ कि क्या डायरेक्शंस कॉपरेटिव लर्निंग की, क्या टीचर का क्या रोल है, क्या करता है। पहली बात तो टीचर को ही मस्ट मेक क्लियर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन, पाठ का उद्देश्य जो है वो क्लियर करना बहुत जरूरी है, कि जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो, जो टॉपिक आप ले रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। दूसरा, वो बोलते हैं कि भी टीचर मस्ट मेक द ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों को वो ग्रुप्स में बिठाए, पर्टिकुलर ग्रुप्स में बिठाए, छोटे ग्रुप में, बड़े ग्रुप में, वो टीचर पे डिपेंड करता है, पर वो ग्रुप्स जरूर बनाए। फिर वो बोलते हैं कि ईच ग्रुप मस्ट बी स्मॉल, कि जो ग्रुप है वो छोटा होना चाहिए। टीचर मस्ट बिल्ड सच एन एनवायरमेंट दैट स्टूडेंट शुड नॉट रिमेन टू फार और टू क्लोज फ्रॉम ईच अदर, कि जब टीचर ग्रुप बना रहा है तो ऐसा ना हो कि बच्चे दूर दूर बैठे, या ऐसा भी ना हो कि बच्चे बहुत पास बैठ रहे हैं, तो ये भी टीचर ने उसका ध्यान रखना है। ईच ग्रुप मेंबर मस्ट बी असाइन टास्क लाइक लीडर मेंबर, हर एक मेंबर जो भी सदस्य उस ग्रुप में है जो कॉपरेटिव लर्निंग कर रहा है, हर एक बच्चे को या हर एक स्टूडेंट को टास्क देना है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर मस्ट बी चेंज पीरियडिकली, अब ऐसा ना हो कि एक ग्रुप में आपने बच्चे बिठा दिए, एक मेंबर को एक ही आपने मतलब उसको एक ही जिम्मेवारी दी है, तो ये भी ना हो, उसको समय समय पर चेंज करते रहना है, बदलते रहना है। मस्ट बी गिवन टास्क अलॉन्ग विद मटीरियल स्टूडेंट, ही मस्ट एंश्योर इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन, अब व्यक्तिगत स्पष्टीकरण सुनिश्चित करना है। टीचर का ये भी काम रहेगा कि जब वो कॉपरेटिव लर्निंग हो रही है उसके बाद वो हर एक बच्चे से, हर एक मेंबर से, सदस्य से वो एक एक्सप्लेनेशन ले, उसका मतलब इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन ले कि उसने इस ग्रुप के लिए क्या किया है या उसका योगदान इस ग्रुप में क्या रहा है। अब इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पहला तो बोलते हैं स्टूडेंट्स मस्ट डिपेंड ऑन वन, इसमें खास चीज़ कमी क्या है कि जब ग्रुप की बात हो रही है, आप क्लास में टॉपिक दिया, उसमें क्या होगा, अगर 10 बच्चे हैं तो बच्चे जो है एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, एक बच्चा ये सोचेगा कि शायद मैं ये नहीं करूँगा ये कर लेगा, वो सोचेगा ये नहीं करेगा तो वो कर लेगा, उससे क्या होगा कि जो उसका उद्देश्य है वो सॉल्व नहीं होगा। तो डिपेंडेंसी, इट प्रमोट्स डिपेंडेंसी ऑन वन अनदर, पहला इसका ड्रॉबैक ये है। दूसरा है हॉग्स एंड लॉग्स, कि ओनली फ्यू वर्क्स इन फॉर फुलफिलमेंट ऑफ टास्क एंड अदर सिट्स आइडल, ये बड़ा देखा गया कि जब ग्रुप टास्क की बात आती है उसमें क्या होता है कि अगर 10 बच्चे हैं तो 2 बच्चे काम कर रहे हैं, बाकी सिर्फ गप्पे मार रहे हैं, मतलब वो बाकी का कोई काम नहीं रहेगा, सिर्फ जो अगर काम करने वाली बात है वो सिर्फ 2 बच्चे करेंगे या 3 बच्चे करेंगे।
करेंगे, बाकी बच्चों का काम सिर्फ दे विल सिट आइडल। देन देर वो बोलते हैं देर इज लॉट्स ऑफ टॉक, मतलब लॉट ऑफ टॉकिंग, कि भाई जब आप ग्रुप टास्क की बात करें कॉपरेटिव लर्निंग की तो उसमें बहुत सारी बीच में शोर शराबा बहुत होगा, बीच में बच्चे शोर करेंगे। एंड लास्टली डिफिकल्ट टू ग्रेड, कि ऐसे बच्चों को जो है ग्रेडिंग करना, मूल्यांकन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये कुछ जो आपकी किताब में जो दिए थे टॉपिक्स इससे रिलेटेड, एड्रेसिंग इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, तो ये इतना है आपकी किताब में। थैंक यू सो मच।